हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं इधर जा रही हूँ पूजा करने, आपको दिखा दे मंदिर साफ कर लिए। मैं रोज मंदिर को ना पूरा ये फोटो को ये गणेश जी के मूर्त है और लक्ष्मी मैया के, इनको ना गंगा जल से तौली है छोटा सा, उस पर गंगा जल डाल देती हूँ। अब तो सारा पोछती हूँ फोटो को गंगा जल से। इस लोटा में पहले गंगा जल रखती हूँ, तब ये टोटी से पानी लाती हूँ। तो ये फूल लाई हूँ, रोज़ फूल खूब अच्छा निकल जाता है। ये भी फूल लाई हूँ। इधर ये अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, इसमें वो तिल का तेल है, सिंदूर है, इधर चंदन है, चंदन है थोड़ा सा, ये मखाने हैं। पूजा कर लूँगी तो आप लोग से मिलती हूँ खाना बनाने के समय। देखिए पूजा हो गया है, मैं भी कंघी उंगी लगा ली हूँ। इधर बाबू टीवी देख रहा है, दिखा रही हूँ। देखिए बनियान पे सोया, इतना ठंडी लग रही है, पंखा बिना पंखा चलाए सोता नहीं है। इधर देखो, हेलो, अरे टीवी देख रहा है बाबू। मैं चल रही हूँ अब बनाने परवल की भरवा, ओ सॉरी परवल बोले करेला का। ये मिर्चा है, पन्नी में करके रख देती हूँ, मिर्चा तो सही रहता है, खराब नहीं होता है। मशरूम इतना कुछ है, इसमें लड्डू है, बेसन के लड्डू। बाबू खाता है अकेले, इसके बड़का पापा आए थे तो लेके आए थे गांव से। ये घिया है, लौकी डाल दे रहे हैं, परवल इसी में कल के रंग देती हूँ, पन्नी में खराब नहीं होता है। ये धनिया थोड़ा सा बचा है, परवल निकाल दे रहे हैं। सॉरी परवल बार बार बोल रही हूँ, करेला को इतना है। घर के बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अब बाबू का क्लास चलने वाला है। बाबू का क्लास खत्म हो गया है। अब देखिए इधर मैं क्या कर रही हूँ, क्या क्या करके रख दी हूँ। ये प्याज कट करके रख दी हूँ, एक बड़ा था एक छोटा प्याज, मिर्चा, ये राई है। हम लोग ना करेले की सब्जी में राई डालते हैं, काला वाला और पीला वाला दोनों मिक्स है। लहसुन है इधर, ये देखिए ये मिक्सी में डाल दे रही हूँ। इसमें मसाला पीसी थी पहले से, वो सूखा मसाला, इसीलिए इसमें दिख रहा होगा। देखिए मसाला दिख रहा है, इसमें धनिया पाउडर है और जीरा पाउडर, गरम मसाला। एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, करेला बहुत मस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे, पीस ले रही हूँ तब दिखा रही हूँ। इधर रख दी हूँ कढ़ाई मसाला भुनने के लिए, अभी मसाला डालूँगी इसमें, तेल डालूँगी। इधर देखिए करेला का बीज निकाल कर रख दी हूँ, करेला उबाल ली थी नमक डाल के, वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आपको पता ही है बाबू मेरा क्लास ले रहा था। और इधर तेल गरम हो गया है, गरम हो गया था फिर से मैं बंद कर दी। ये करेला का बीज नहीं निकाली थी इसीलिए दोबारा। इसमें मेथी या जीरा का तड़का लगाएंगे, पहले करेला के बीज डाल दे रहे हैं। ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा डाली हूँ। इधर मसाला भी पीस ली हूँ, ये डाल दे रही हूँ करेला के बीज। ये वाला सब्जी कर वो सरसों डाल के बना रही हूँ, सरसों का मसाला बहुत अच्छा लगता है। एक बार बना के देखिएगा कितना अच्छा लगता है, ट्राई करिएगा, खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इधर चावल बना रही हूँ,
इस करेले में ये करेला खराब हो गया था, इसलिए आधा काट के फेंक दी। लाई थी सरसों लाई हूँ मार्केट से लाई थी, अभी इसको धोऊंगी। इसमें मेथी है, जीरा है, डिब्बा में रखूंगी। प्याज डाल दूंगी, जब प्याज भुना जाएगा तब दिखाऊंगी आपको मसाला डालूंगी तब। देखिए प्याज भुना गया है, इसमें दिख नहीं रहा है पर भुना गया है। मसाला डाल दे रही हूँ, नमक डाल दे रही हूँ, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची, इसमें पानी है इसको धो के डाल दे रही हूँ। पानी भले सॉरी मसाला है। थोड़ा सा हल्दी और डालना पड़ेगा। देखिए मसाला भून चुका है, अब इसको निकाल के रख दूंगी ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तब करेले में भरूंगी, करेले में मसाला भरूंगी तब आपको दिखाऊंगी। देखिए ठंडा हो गया है, मसाला भर रही हूँ इसमें करेले में। इसी तरह से सारा भर लेंगे। देखिए पूरा मसाला भर दी हूँ करेले में, और इतना बच गया है। अब गरम हो रहा है कढ़ाई, तेल डाल के करेलों को तल लेंगे। ये करेला भर, करेले में मसाला भर दी हूँ, ये काट दी हूँ इसलिए अलग हो गया है, चिपक नहीं रहा है। इतना मसाला बच गया है, ये चावल से खा लेंगे, दाल से, चावल से बहुत अच्छा लगता है। और कढ़ाई में तेल डाल दे रही हूँ, अब इसमें डालूंगी करेला। करेलों को डाल के तब खूब अच्छा तल लेंगे। ये तो उबाल दी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा ये। अभी बन जाएगा तब दिखाऊंगी आपको। अभी इधर बाबू का क्लास चालू हो गया है, 10 बज गया है, 10:20 दस 15 मिनट के लिए छुट्टी होती है, तो फिर से मैं अपना ये मोबाइल से लेके बनाने लगती हूँ वीडियो। अभी तल लूँगी तब दिखाऊंगी, तब तक बाबू जा रहा है पढ़ने। देखिए कितना अच्छा भुना गया है। चलिए अब खाना खा के मिलते हैं आपसे। देखिए खाना वाना खा लिए, इधर सरसों थोड़ा सा था वही अब धोने जा रही हूँ। मेथी भी लाई थी, जीरा भी लाई थी धोने के लिए, पर अब नहीं धोऊंगी। इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी मिट्टी जैसा दिख रहा था, साफ कर लूँगी थाली से, डिब्बा में भर के रख दूँगी दोनों। सरसों को तो धो कर रख दे रही हूँ, कल जो कट्टा सिली थी ना बोरा उसी पर रख दूँगी, वहाँ पे बिछा कर रख दी हूँ, 4 ईंट रख दी हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रहा है तो उड़ रहा था, तो ईंट रख दी उस पर कि उड़ेगा नहीं। सरसों भी देखिए कितना तेज हवा चल रहा है, इधर सरसों भी धो रही हूँ। हवा चल रहा है इसलिए अपने ओढ़नी को पैर से दाब ली, बहुत तेज़ चल रहा था हवा, और बोरा भी उड़ रहा था खूब।
तो ईंट रख दी चार ईंट लिया कर रख दी। चलनी में खूब अच्छा से धोआ जाता है, कचरा जो रहता है वो नीचे गिर जाता है। देखिए रख दी थी सूखने के लिए, ये सूख भी गया है हल्का फुल्का, देखिए धो के डाल दी थी। अब इधर डिब्बा लेके चल रही हूँ मेथी या जीरा जो उधर रखी थी वो रखूँगी इसी में। डिब्बा तो धो दी, नहीं तो जब भी कुछ लाते हैं हम लोग तो बिना धोए रख देते हैं, सोचते हैं अब दूसरी बार खाली होगा तो रखेंगे, धोएंगे, सॉरी धोएंगे। ऐसे करते करते आदमी ज़्यादा वो हस्कत हो जाता है आदमी के अंदर, तो आलसपन आ जाता है, हम लोग हस्कत बोलते हैं हमारे भाषा में, मैं बोली। देखिए डिब्बा में रख दी, इधर बच गया था थोड़ा सा, तो इसमें मेथी जीरा मिला कर रख दी। सबसे ज़्यादा मेरे घर में मेथी जीरा का तड़का लगता है, पंचफोरन भी मतलब बहुत लोग डालते हैं, हमारे घर कोई खाता ही नहीं पंचफोरन का सब्जी बना देती हूँ, तो मेथी जीरा सबको पसंद है। थाली में देखे कितना कचड़ा निकला है, नीचे भी निकला है मेथी जीरा में से। इधर तीनों में रख दी हूँ, ये जीरा इधर रख दी, मेथी भी रख दी, या ये अलग रख देती हूँ, ये इसका ढक्कन खुलता रहता है इसीलिए उधर रख देती हूँ। यार डिब्बा भी सारा साफ करी हूँ कपड़े से, सारा काम हो गया है, बर्तन भी धो ली, सरसों भी धो के रख दी हूँ, बर्तन भी धो के रख दी, गैस पोछा झाड़ू सब हो गया है। अब हम इधर आराम करेंगे, एक बज गया, बाबू का क्लास भी ख़त्म। जब मेरा काम रहता है तो बाबू का क्लास भी चालू रहता है, अब पूरा काम ख़त्म, क्लास भी बंद, 1 बजे बंद हो जाता है क्लास, छुट्टी हो जाती है। इधर हम दोनों टीवी देखते हैं, ये महाशय जी के देखिए रिमोट हाथ ही में रहता है, रिमोट हाथ से नीचे नहीं लगता है, लगता है कितना प्यारा है रिमोट। हम लोग देख रहे हैं टीवी, दिखा रही हूँ आपको, ये हम लोग अपना चैनल देखते हैं, अपना चैनल देख लेते हैं तब कुछ और मन करता है तो देखते हैं, यूट्यूब चला के देखते हैं, वाईफाई कनेक्ट है खूब चला के देखते हैं, दिन भर चलाते हैं। और इधर ये 2:30 बज गया, अब टीवी ये बंद कर दिया है, देखिए मैं टीवी देख रही थी ये मोबाइल दिख रहा था, अब नहाने जा रहा है, जा नहाने जा जा जल्दी नहा के आ जल्दी, इतना ठंडी लग रही है अब नहाने जा रहा है, सुबह नहाना चाहिए, जा जल्दी नहा के आ। क्या ढूंढ रहा है, जल्दी से आ। इधर आने हाथ से तो तेल नहीं लगाता है, मैं ही लगाऊंगी, इधर करो, इधर अपने हाथ लगा लो, लो मुंह में नहीं लगाओगे क्या, नहीं पहले आप हाथ में दो, इधर लग तो गया है, ये वाला तो नारियल के तेल सही रहता है ठंडी में लगाने में, हाथ पैर सही रहता है एकदम, मुंह में तो देखिए लगवाता नहीं, अपने हाथ से मुंह में लगा लो। हम लोग पूरा ठंडी में नारियल के तेल लगाते हैं, गर्मी में भी लगा लेते, तुम अपने मुंह में लगा, तो क्या अच्छा से लगा, दो इधर ये वाला
नहा लिया है, अब ट्यूशन जाओ, 3 बजे जाना है ट्यूशन, तब तक मैं जा रही हूँ सर को उठा कर लेके आ जाऊंगा तो कबूतर कहीं खा जाएंगे, उसमें रख लो। क्या ले जाना है? क्या क्या ले जाना है? ट्यूशन वाले से फोन करके पूछ लो मैम से। हेलो कपड़ा, मैं जा रही हूँ सर को रखने डिब्बा में, तुम पहन लो तब चलेंगे ट्यूशन, 3 बजे से चलना है ना। बाल है ही नहीं है तो कंघी क्या लगाओ, लो लगा लो। जो निकाली हूँ कपड़ा सर्दी वाला वो तो हो ही नहीं रहा तुम्हारे इस पे टमी पे, अंदर करो टमी अपना, तारक बोलती है चलो तो नहीं जाते हो, लो ऐसे थोड़ी लगाते हैं, इधर आ। नहीं ऐसे ही करूंगा, आगे के बस लगा ले तो पीछे तो उसी तरह से रखा है। तो चलिए दोस्तों आप कल मिलेंगे, कल वाली ब्लॉग में शाम को देखूंगी जो मतलब कुछ बनाऊंगी चाहे कुछ करूंगी उसका वीडियो बनाऊंगी, तो परसों वाली वीडियो में जाएगी, परसों नहीं कल वाली मिल जाएगी, ये वीडियो तो कल जाएगी, उसके बाद परसों होगा, परसों वाला वीडियो में जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय।